हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी जैम बना रही हूँ जो आप बहुत लंबे टाइम तक घर में रख सकते हैं और फ्रिज में भी रख सकते हैं। बहुत हेल्दी जैम है, जो फ्रूट का जैम है। तो ये मैं घर में बना रही हूँ, इसमें कोई केमिकल नहीं डाला है, कोई कलर नहीं डाला है, ना कोई प्रजर्वेटिव। तो इसके लिए मैं ये आज स्ट्रॉबेरी जैम बना रही हूँ। तो इसके लिए मैं 1 किलो स्ट्रॉबेरी लिया और उसको अच्छे से साफ़ करके और कट कर लिया है। अगर आपको काटना हो तो काट सकते हैं, नहीं तो इसको क्रश करके पीस भी सकते हैं, पीस के और पेस्ट बना सकते हैं। तो अगर काट के बनाएंगे तो ये पल्पी बनेगा, इसके अंदर पल्प रहेगा तो खाने में अच्छा लगता है। तो और 1 किलो मैं स्ट्रॉबेरी ली हूँ, 300 ग्राम शक्कर ली हूँ। तो गैस पर कढ़ाई चढ़ा के और हाई फ्लेम पर के रखें और इसके बाद इसमें स्ट्रॉबेरी और शक्कर डाल के पकाएं। जब ये शक्कर जो है सो घुल जाए, पानी जैसा हो जाए, अच्छे से शक्कर घुल जाए, इसमें पानी नहीं डालना है, बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। तो आप लंबे टाइम तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तब ये स्ट्रॉबेरी और शक्कर को पकाने के बाद एकदम घुल गया है पूरा और पतला हो गया है। अब गैस फ्लेम को मीडियम कर दें और इसको अच्छे से पकाएं। पकाते पकाते ये एकदम चाशनी जैसा बन जाएगा। देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है, स्मेल भी बहुत अच्छा लगेगा। स्ट्रॉबेरी जैम तो सबको पसंद आता है और अभी सीजन भी है स्ट्रॉबेरी का, ना कोई इसमें प्रिजर्वेटिव रहेगा और ना कोई कलर, ना कोई स्मेल भी। इसका नेचुरल स्मेल है, नेचुरल कलर है। और अगर आपको इसको थोड़ा सा घोटना है तो हल्का हल्का घोट सकते हैं, कम से कम 25 मिनट इसको पकाए मीडियम फ्लेम पर। और ये पकते पकते जब गाढ़ा हो जाएगा, उसके बाद इसको जब ये स्ट्रॉबेरी पक जाएगा तब उसको थोड़ा मिक्स कर दे। तो गैस को लो हाई मीडियम करके पकाएं और पकाते पकाते देखिए कितना कम हो गया है और गाढ़ा भी हो गया है। इसमें कोई ना घी डालना है, ना कोई कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ चीनी और स्ट्रॉबेरी डाल के पकाया है मैंने, पानी भी नहीं डाला है। पानी डालेंगे तो फिर लंबा टाइम तक आप नहीं रह सकते हैं, रख सकते हैं, और इसमें पानी डालने का ज़रूरत भी नहीं है। तो कितने लोग लेमन डालते हैं, नींबू का रस, तो मैं इसमें नींबू का रस नहीं डाली हूँ। जब आपको यूज करना होगा तो आप नींबू का रस डाल सकते हैं। 1 पिंच यानी 1/4 जो है सो मैं सेंधा नमक डाल दी हूँ। ज़्यादा सेंधा नमक नहीं डालना है, थोड़ा सा डाली हूँ। और उसके बाद फिर अच्छे से पका रही हूँ, पका के फिर उतार दिया। अब ये अच्छे से गाढ़ा हो गया है, अगर आपको लेमन डालना है तो लेमन डाल सकते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर इतना अच्छा रहता है तो मैं लेमन नहीं डालती हूँ। अगर आपका चॉइस हो तो आप डाल सकते हैं, लेमन का फ्लेवर डाल सकते हैं। और जब आप इसको ब्रेड में लगा के भी खा सकते हैं, इसका शरबत भी बना के पी सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। मिल्क शेक भी बना के खा सकते हैं। अगर इसको आप स्टोर करके घर में रखेंगे तो गर्मी महीना में जो है सो आप को ड्रिंक बना के इसका पी सकते हैं, लेमन गाड़ के और इसका ड्रिंक बना के। स्ट्रॉबेरी जैम और पानी और बर्फ डाल के और लेमन गाड़ के आप इसका ड्रिंक बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत लंबा टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। आइसक्रीम भी बना सकते हैं आप इसका, जो मर्जी हो। अगर ये स्ट्रॉबेरी जैम को बना के आप रखेंगे जो मर्जी हो वो बना के डाल। तो आप अच्छे से इसको ठंडा करके जैम को और एक बर्तन को सुखा के और उसमें स्टोर करके रख सकते हैं, लंबे टाइम तक रहेगा। आप फ्रिज में रखें
या बाहर रखें, कहीं पर भी रखेंगे इसमें फंगस नहीं होगा। अगर एक ध्यान रखिएगा, जो सूखा इसमें स्पून डालिएगा और सूखा हाथ, गीला नहीं डालना चाहिए हाथ, खाली हाथ से तो छूना नहीं है, सिर्फ चम्मच से ही छूना है। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को मेरी रेसिपी, प्लीज़ आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, फिर मिलेंगे एक रेसिपी के साथ।